नींबू है ना ये, इसको क्या बोलते हैं इसको, आड़ू, आड़ू। ये एक पीस बेचते भी क्या? हाँ ले जाना, ले जाना तो नींबू। अरे इतना बड़ा बढ़ेगा क्या करूँ, खट्टा ही मीठा है ये, खट्टे खट्टे मीठे लगते हैं। अच्छा लगता है चार तो नहीं, वैसे खाली दोनों अच्छा बैठ गए, मैं तो वैसे ही पी लूंगा। कुछ बनवा रहे हो, कुछ बनवा रहे हो क्या? नहीं हाँ खीर कटवाता है यार, चार पीस खा लेते हैं, नमक नमक लगा। चलो ठीक है। और ये क्या है? ये नमक है यहाँ का, लहसुन नमक कितने का ये? 100 रुपया। यहाँ पेटीएम थोड़ी चल रहा है, भुट्टे तेरे इधर मिलेंगे ना? भुट्टे अभी नहीं मिलते है ना? अरे इतने तीखे तीखे मिलते हैं ना मस्त, उसमें आंसू आ जाए बंदे खाते। बरसात के मौसम में वैसे ना ऊपर गिरे, हमारे यहाँ नहीं गिरते ऊपर। अच्छा यहाँ भी नहीं गिरते, गले मिला कर। अरे गिरती है तो रुकती नहीं है, पिघल जाती है। पुल आ गया है रानी खेत की तरफ, जस्ट हम यहाँ से टर्न करेंगे राइट। खड़े भगवान दिन के आगे, तुमने बेल्ट भी नहीं बांध रखा, बैठ लेंगे तुम्हें। और तूने बांध रखा है? मैंने तो लगाई भी तो नहीं। और ये पुलिस वाले के आगे रानी लगा जाएगा, ये तो बैठे रहो सीधे सीधे, शूटिंग भी हुई है कुछ गाने सामने देख। हां लगा लो भैया तमीज से। ओ बाय बाय बाय, लेफ्ट जाएंगे रानी खेत की तरफ, स्ट्रीट की गाड़ी खड़ी है, स्ट्रीट साहब खड़े हैं सीधे। दीपक रावत सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। रानी खेत दिखा रहा है यहाँ से ताड़ी। ताड़ी? ताड़ी क्या होता है? 21 किलोमीटर 40 मिनट। पार्टी चल रही है भाई लोगों की, क्या बात, इधर चटाई लगे बैठे। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं रानी खेत रेंज में, और इस सामने मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस है, और ये है वेलकम टू द बो मैन ईटर्स एंड हेड। तो दोस्तों जस्ट अभी हम रानी खेत पहुँचे हैं, रानी खेत का थोड़ा सा व्यू आपने आपको दिखा दिया, बाकी आप व्यूज़ देखिए अब यहाँ के आरसी वूलन्स, नज़ारे देखिए आप। फिलहाल ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के ट्रेवल के बाद में रानीखेत से हम दौराहाड़ पहुँचे हैं, इसका गांव है। पहला खाना खाएंगे, उसके बाद में देखेंगे घर कैसा है। बहुत दुर्लभ जगह भैया, मेरे को तो आ गए थे चक्कर, सीधी बात है। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये पेड़ देखो, ये पेड़ बहुत स्पेशल ही है भाई, पेड़ देखो कितने सुंदर हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, और हम भाई वॉक जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर, पीछे गेहूँ की रोटी मिलेगी। खाने में मिक्स वेज है, मिक्स दाल है, राजमा है, कढ़ी है, चना है, हरी सब्जी है। हरी सब्जी कौन सी? चावल और वो ले लो ना, लाई मेथी वगैरह मिक्स है। राई मेथी वगैरह थाली थोड़ी होती है, राई थाली भी है, राई। तो एक काम करो, चावल राम क्या खाएगा? चावल खाएगा, रोटी खाएगा, रोटी चावल खाएगा। तो कुछ भी जो 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 मेजोरिटी में खाएंगे वो दाल चावल खा लेंगे जो भी है, कढ़ी चावल क्या है, कढ़ी चावल राजमा चावल कड़ी चावल दो तुम घर वो ले लो। तो दो कड़ी चावल लगा दो, एक राजमा चावल, एक कड़ी चावल एक राजमा चावल, एक हाफ सब्जी हरी वाली और रोटी के लिए भाई साहब के लिए 4-5 रोटी लगा दो। और सब्जी कौन कौन सी आपको? मिक्स वेज है, मिक्स दाल है, काला है, चना है, बहुत की दाल है, मिक्स दाल लगा दो। क्यों यार दाल खाएगा? दाल लगा दो यार, वो रोटी पूछे ना फिर, वो रोटी तो मेरे गाँव में लगा दो। नहीं तो
ये है उत्तराखंड की एक झलक। कड़ी चावल आ गया मस्त, राजमा चावल, राजमा चावल, हरी मिर्च तो दे देना। अरे सब्जी तो ला रहे हो ना, मेथी है दाल, चपाती, हरी मिर्च देसी वाली एकदम चटपी, पूरी खा के बाद एक बार है ना आंसू आ जाएंगे ना। कितना लिया बेटा? हां एक देख कैसा है, फिर रास्ते के लिए ले ले। रास्ते में कहां काटते हो जाएगा? अरे ऐसे ऐसे खाएगा? ओ ठीक होगा ना, बैठा हुआ तो हाँ टेस्ट कर, तू कर पहले, तू ही मंत्री तू ही राजा कर टेस्ट। ठीक है, कितना कर? जो इन्होंने बोला सही है, मतलब मीठा नहीं है ज़्यादा, नहीं ये कट वाले ये काट के दे दो, एक दाना और आएगा आधे किलो में, कहाँ आधा किलो, आधा किलो में तो दो आएंगे, एक एक किलो कर दो घर के लिए, तेरे को उधर चाहिए होता वैसे ले लो, चार दाने आते कौन, वहां तो केले ले लो, एक किलो में देखना चार दाने का नहीं आते, चार से ज्यादा नहीं आते, एक पांच आ गए देखो। और वाला अच्छा बंदर ने झूठा कर दिया तो छोड़ो, 60 रुपए के 12 पीस और आम मिले हैं 120 रुपए किलो, पहाड़ी आम, पहाड़ी आम है टेढ़े मेढ़े से। चलो चलते हैं सूर्य खेत, पहुंचे और यहाँ पे हमें चप्पल भी मिली है भिवाड़ी से, इसी गांव जहाँ से हम आ रहे हैं, जहाँ से की चप्पल यही से है, बनती वही है ना हमारे वहाँ के वाल लोग हैं, अच्छा जा रहे हैं कनोली, कितने हुए? 135 होंगे, वहाँ होने को तो 30 दे दूँ, कोई 5 का चक्कर पड़ गया ना, बारिश से बचाने के लिए चूल्हा। तो आगे बढ़ रहे हैं अब मेन मार्केट से, और ये मृत्युंजय मंदिर मासी जाली खान 35, और यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे पहला गियर, पहला गियर में भाई सामने का वही है क्या? ओए 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 लग तो रहा है जीवन है सामने, ये बस गांव है ना,
उतर के देखूंगा आगे मिलेगा मिल जाएगा देख रहा देख उधर देखे वो देख इसी में साथ उधर उधर पानी आता है इसमें उतर जाओ उतर जाओ तू भी देख ले बर्नो बोतल से ओहो वाह ये देख ये पानी ये पीने का पानी है नेचुरल है ये कभी खत्म नहीं होता अतर पानी कहां से आता है किसी को नहीं पता दिख ही नहीं रहा कुछ भी इसमें तो कैमरे में तो अंधेरा सांप इसके अंदर सांप भी होते हैं हैं हां ये नेचुरल स्रोत है स्रोत है पूरा ये हमेशा भरी रहती है स्टेप्स अभी कम हो गया पानी भर ले गए पर बारिश आएगी अपना बढ़ जाएगा पता नहीं कैसे तो इतना प्योर ये पीते हैं गांव के लोग इसी को पीते हैं के 5 बज गए और अभी तक हम गांव नहीं पहुंचे गाड़ी बहुत जा रही थी सामने रोड की हालत देख लो आप कैसी जगह इसका गांव है पूरे ऊपर दो मतलब 500 से 700 मीटर दूरी से मैं बताते आ रहा हूँ कि राइट लेफ्ट लेना और कटाव के कारण मिट्टी देखो कैसी हो रखी है और यहाँ पे गाड़ी चलाना कितना रिस्की है पीछे भी एक ऐसी जगह आई थी वहाँ पे गिट्टी पे पीछे वाला टायर चढ़ गया था तो गाड़ी टकराते पीछे भी टकराते टकराते बची है तो बहुत ही दुर्लभ जगह आएंगे भाई साहब हम बहुत गंदी वाली दुर्लभ जगह है ऐसा कुछ सीन है बाकी आप बैकग्राउंड में देख ही लो क्या सीन फुल कच्चा रास्ता यार फुल कच्चा और ये पहाड़ी के जो जॉइंट्स हैं इनमें से बारिश में पानी निकलता हल्का हल्का पाइपलाइन आ रही है देखो और इस जंगल में कोई बड़ी बात नहीं कोई पैंथर अंतर मिल जाए तो वो गाड़ी खड़ी कर ली उनने पर गांव आने का नाम नहीं ले रहा अभी तक अपन तो पैदल चलने में स्पर्ट है कोई दिक्कत नहीं है यह है बात लाड़ खत्म हो गया है बंदे को घर नहीं मिल रहा अपना घर याद नहीं आ रहा 5 साल बाद आया गांव रातों रात कहाँ गायब हो गया तो दिख रहा है क्या तो स्कूल में तो क्या दिखेगा अभी कोई भूल गए हम देखो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी आग लगी थी देख लो आग बुझाई आई है तो ये सब आग लगी लगाई वो नहीं पता लेकिन देख लो आग सी है यहाँ तो पूछते हैं देखो यहाँ पे किसी से तो ये लंबा है ये वाला लंबा कितना किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से 7 किलोमीटर तो वो पड़ेगा 6-7 ये यहाँ जाना पड़ेगा ये सीधा चल जाएगा पक्की है रोड ये कहाँ जाएगा कानी खेत से फिर सूर्यखेत जाना पड़ेगा ना सूर्यखेत से फिर वो वहाँ से गनोली को भी करती है गनोली को तो आगे था वो रास्ता भूल गए बीच में यहीं नीचे उतर गए तो ये वाला था यहाँ उतर गए अच्छा तुम यहाँ से ऐसे उतर के निकल गए पता नहीं था गाँव का पता ही नहीं चला नई रोड बनी थी ना हाँ तो आप तो फिर घूम के वही जाना पड़ेगा कहाँ से हो हम ये गाँव पटेला चलो ये निकल जाएगा मतलब हाँ ये निकल जाएगा वापस आना पड़ेगा ठीक है भैया थैंक यू उतर गया आने के लिए बोल रहा तो पूछ के लोग अरे भैया यार ये सुरखेत जाना था जुद दूर पड़ेगा हाँ इधर से दूर पड़ेगा सीधा जाओ सीधा कैसे निकल कानखे जाओ हाँ कानखे से फिर सुरखेत जाओ जाओ कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर रहेगा टोटल चलो ठीक है पूछो क्या कहाँ जाओगे काली खेत जाओगे आ जाओ अच्छा ठीक है चलो ठीक है
तो कुछ कैसा कहा जा रहा है कि भाई भारी बारिश की संभावना है यहाँ उत्तराखंड में, मतलब यहाँ का मतलब गंगोत्री के आसपास के एरिया में। और हम रानीखेत से लगभग 35 किलोमीटर दूर हैं। ये विपिन के गांव का बस स्टैंड है, यहाँ पे रोडवेज बस आती है। बस स्टैंड तो मेन था, जो मेन आपको दिखाता था कि स्टॉप है, और इसका गांव ये, यहाँ से पगडंडी बनी हुई है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे गांव की तरफ। गाड़ी वहाँ ऊपर खड़ी कर दी है और यहाँ चल रहे मस्त पगडंडियों में। लारो तू है यहाँ का? ढीली हो गई, मोटापा कम हो गया। पहुंचने वाले भैया हम गाँव। मकान बने हुए हैं, सरोज जोशी जैसा मकान है लग रहा है साला। कुछ लगा रखा है, नए नए पौधे लग गए। अरे सबसे कोने में मकान तेरा कितने पीछे? अबे यार वो कह रहे क्या यार? अच्छा आजा आजा रार रह गया रास्ते में। अरे बाकी सब छोड़, स्वच्छ भारत मिशन का भाई डस्टबिन यहाँ पहुंच गया। अच्छा पेड़ की वजह से दिखा होगा यार, घंटा ही मकान ही कितने मकान है, एक भी नहीं दिखा मुझे। ये आ रही सामने रोड, यही तो रोड है वो गिट्टी वाली रोड नीचे आ रही है ना सामने, यही तो रोड है वो। अभी अभी जाएंगे क्रॉस करेंगे हम इसको, देख मैं तो जमीन पे था, मैं गाड़ी में नहीं था। ये फेल हुआ है कि जीतो ने जहाँ बोला ना कि रुको मैं उतर के पत्थर हटाता हूँ, नहीं हम बहुत आगे चले गए थे, खा ले खा ले आडू है तो यार, कितना धीरे चलना पड़ रहा है ना। अरे ये तो गुल्लू है, ओए गुल्लू है विपिन जी, तो गांव आने का नाम नहीं ले रहा, सॉरी गांव के मकान विपिन का क्या होगा, वो नहीं हो नहीं सकता है। नहीं नीचे को जा रहे हैं,
ये नहीं पड़ा होगा यार, ये हेडपंप तो जाना पहचान लग रहा है, वो हेडपंप है ना। अरे मकान कहाँ चलो इसको, चलो बटन मिल जाओ। हेलो हाँ हाँ देख बकिया क्यूट, दुकान बंद है, ताला लगा पड़ा। एक मिनट रुक जा, वो मार्केट सामने दो कट पर है नहीं कहीं पे, वही तो रोड आ रही है यहां पर, सीधा वहां से यहां आना था। अच्छा नहीं ये तो इनको तो लैंडिंग नहीं आती, जयपुर में एक है ना वो नए वाले जो एनएल वाले, उनको क्या सीढ़ी आ रही है तो उनको मिल जाए। ये बनाया ना मकान तो, ये तेरा ही है सही में, ये बन रहे अली चल के देखते ना किधर से रास्ता। ये है फाइनली व्हिपिंग का मकान जो बन रहा है, चलो चलते हैं। हाय हाय, तुम्हारी भैंसे क्या हाल चाल है, पहचान लिया मालिक को? ठीक है चलो। ये पगडंडी से निकल रहे हैं, फाइनली से घर पहुंच गए। ये घर है विपिन का मकान, इसको हम ढूंढ रहे थे, फाइनली मिल गया। और इनके घर के जस्ट बाहर है अनार का पेड़, देखो कितने कितनी हाइट इसकी यार, सही है। नेटवर्क आ रहा है क्या? व्हाट्सएप आया ना मेरे पास अभी, काम चल रहा है। कितने का जमा दिया इसको? ठीक है सही है यार, मतलब रूम बड़ा है बस। और डिजाइन देख कितनी अच्छी है दरवाजे की, ये रसोई तक काम तो नहीं होता है रसोई का, पर बना रखे सही है। तो और क्या चाहिए? डिजाइन देख कितनी मस्त है, इसके पीछे क्या है? हाँ रास्ता है, मिट्टी भरी पड़ी है, रास्ता है कुछ नहीं है। अब इसमें चिनाई हो जाएगी हमें? हेलो क्या ये जी चिनाई यहाँ क्या लगनी है? ये हो गया तुम्हारा बाथरूम, बाथरूम बना दिया ठीक ठाक साइज है, अच्छा सीट का जुगाड़ कर दिया, चलो सही है। चलो और नीचे चलते हैं, यहाँ से बाल्टी पहले रखी जाती है, ना लाएगा तो भर जाएगी, पानी की दिक्कत है इस गांव में। नीचे मकान नहीं है, कोई नहीं रहता यहाँ पे, ये अकेले रहती है। लास्ट मकान है ये, नहीं है ना पड़ोसी, पड़ोसी है तो ये रहा, इसके बाद में ये लास्ट मकान है और वो कोने पे मकान है सामने, इसके बाद नीचे कुछ नहीं है, वो रोड रहा, कच्चा रोड जा रहा सामने वो पूरा। इस मकान में कोई लगता रहता नहीं है, देखो पत्ते कितने इकट्ठे हो गए, कभी कभार आता होगा कोई। अच्छी बात ये है कि देखो लाइट की सप्लाई है, खुले तारे हालांकि लेकिन लाइट की सप्लाई है यहाँ तक। कितनी आबादी इस गांव में? नंबर ब्लॉक मार दो और क्या, फिर नहीं दिखेगा। 180 मकान है, नहीं। 180 है मतलब 300 लोगों की आबादी तो होगी कम से कम। अब तो सांस बोल गई, पहले मैं दौड़ के आता था यहाँ तक, पर भाग के लेके नीचे भी आता था अकेला, कोई डर नहीं था मुझे। अच्छा वो भी चौक जाता था, तू लेके भी आ गया कहाँ से? गया बैंड से, अब बस की नहीं भाई। अब अगर मैं चला भाई, मैं तो अभी भी